आज कोलकाता में दिग्गज होंगे मैदान में कैंपेनिंग करने के लिए। सबसे पहले बात सीएम ममता बनर्जी की। बड़ी खबर यह है कि कोलकाता के हाजरा में विरोधियों पर आज ममता दीदी गरजने वाली हैं। ममता बनर्जी करीब शाम 4:30 बजे रैली को संबोधित करेंगी। पैर में चोट लगने के बाद ये पहली जनसभा होगी ममता बनर्जी की। व्हील चेयर पर वो होंगी। मुमकिन है कि व्हील चेयर पर रैली में नजर आ सकती हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम दिवस में शामिल हो सकती हैं ममता बनर्जी। तो आज रैली को संबोधित करने वाली हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में रहने के बाद, मुमकिन है व्हील चेयर पर ही अब अपनी कैंपेनिंग ममता बनर्जी आने वाले कुछ दिन में करेंगी, जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है। देखना होगा कि विरोधियों पर कैसे शिकंजा कसती हैं ममता बनर्जी अपनी रैली के दौरान। और एक ब्रेकिंग न्यूज इस बीच मिल रही है, आज जारी होगा टीएमसी का चुनावी घोषणा पत्र। दोपहर 2 या शाम 7 बजे जारी कर सकती है टीएमसी अपना मैनिफेस्टो। राशन की मुफ्त डिलीवरी समेत कई अहम ऐलान कर सकती है टीएमसी। 11 मार्च को मैनिफेस्टो जारी करने वाली थी टीएमसी। ममता को चोट लगने की वजह से घोषणा पत्र का कार्यक्रम टल गया था, लेकिन आज कहा जा रहा है कि टीएमसी का मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। तो मैनिफेस्टो जारी होने की बात हो रही है। ममता बनर्जी को चोट लगने से ठीक पहले वो घोषणा पत्र जारी होने वाला था, लेकिन वो टल गया। लेकिन अब टीएमसी का घोषणा पत्र किन मुद्दों पर फोकस करेगा, इसकी सुगबुगाहट बहुत ज्यादा है। तो घोषणा पत्र में 10 बड़े वादे कर सकती हैं ममता बनर्जी। वो क्या वादे हो सकते हैं? दरअसल गरीब परिवारों को मुफ्त राशन की डिलीवरी देने का वादा ममता बनर्जी कर सकती हैं। हर परिवार के दरवाजे पर मुफ्त राशन पहुंचाया जाएगा, इसकी कोशिश होगी। स्वास्थ्य, महिलाओं और रोजगार पर बड़ा ऐलान संभव है मैनिफेस्टो में। तेल की कीमतों में राहत के लिए टैक्स कटौती की घोषणा कर सकती है ममता बनर्जी अपने घोषणा पत्र में। किसानों के लिए भी घोषणा पत्र में बड़े ऐलान मुमकिन है। ये वो चीजें हैं जो शामिल हो सकती हैं ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो में, टीएमसी के घोषणा पत्र में। इंतजार करना होगा उसके रिलीज होने का। लेकिन ममता बनर्जी की जो चोट है वो हमला नहीं, हादसा। ये रिपोर्ट में जानकारी मिली है। बड़ी खबर ये है कि ममता की चोट पर चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो ये बताया गया है कि चोट लग गई उनको, ये किसी तरीके का हमला नहीं था। पर्यवेक्षक विवेक दुबे और अजय नायक ने जो चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी है उसमें ममता बनर्जी पर हमले के सबूत नहीं मिले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। चुनाव आयोग आज इसे लेकर एक ऑफिशियल बयान जारी कर सकता है। चुनाव आयोग से टीएमसी ने की थी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग, और चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी, और उसी के बाद ये रिपोर्ट अब सौंप दी गई है, जिसमें चोट हमला नहीं हादसा ये बताया गया है। तो रिपोर्ट क्या कहती है तफसील से आपको बिग बॉल के जरिए हम बता देंगे, क्योंकि पहले जब ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई तो उन्होंने कहा कि वो इससे सेटिस्फाई नहीं है, शाम तक दूसरी एक रिपोर्ट दी जाए। अब देखिए रिपोर्ट में किसी हमले का जिक्र नहीं है, ये रिपोर्ट की सबसे खास बात है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि उन पर हमला किया गया है, साजिशन उन पर अटैक किया गया है। तो ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई वो एक हादसा थी, एक मिस हैपनिंग थी, ये इस रिपोर्ट में मेंशन है। इसके साथ ही काफिले पर किसी हमले के कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं मिले हैं। पर्यवेक्षक जिन्होंने इसकी जांच की, और ममता के साथ उस दिन पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी, क्योंकि ये भी सवाल उठा था कि एक सीएम की सिक्योरिटी कैसे इतनी कम हो सकती है कि उन पर कोई अटैक हो जाए। हादसे वाली जगह पर जो सीसीटीवी लगा हुआ था वो काम नहीं कर रहा था, ये भी रिपोर्ट में मेंशन कर दिया गया है। लेकिन मौके पर कई लोग हालांकि मौजूद थे, सीसीटीवी वहां का काम नहीं कर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई खास जानकारी उनकी तरफ से सामने नहीं आई। और इसके बाद ये कहा गया रिपोर्ट में कि ऐसे में इन परिस्थितियों वश किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। तो ये समअप करते हुए रिपोर्ट में मेंशन किया गया। लेकिन बड़ी बात ये है कि कह दिया गया ये एक हादसा है, किसी तरीके का हमला है नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।